नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही आसानी से मिलने वाली लेकिन बहुत इफेक्टिव ऐसी आयुर्वेदिक औषधि वनस्पति के बारे में जानेंगे। देखिए, ये आपके घर में भी आप इसको लगा सकते हैं, यहाँ तक कि आपके घर के आंगन में, गमलों में आप इसे लगा सकते हैं। बाहर भी आपको ये बहुत आसानी से मिल जाती है, कीमत में बहुत सस्ती है लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। जिनको भी जैसे कि थकान हो रही है या बल को बढ़ाना है, तो आयुर्वेद में इसे एक बहुत अच्छा टॉनिक बताया है। इसके बारे में कहा गया है बल पुष्टि विवर्धनम। यहाँ तक कि जिनकी एज थोड़ी कम है, यानी जैसे 18 या 19 की एज तक जिनको हाइट बढ़ाना है, उनके लिए भी एक बहुत अच्छी औषधि है। इसके अलावा भी बहुत सारी अलग अलग बीमारियों में आपको इसका फ़ायदा मिलता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि बाकी आयुर्वेदिक दवाइयों की जैसे आपको इसका काढ़ा या इसकी गोली लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे बहुत अच्छी तरह से इसमें दूध मिला के, इसकी खीर बना के ले सकते हैं। ये बहुत टेस्टी रेसिपी है और घर के जो छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, सभी इसे ले सकते हैं। स्त्री पुरुष दोनों इसे ले सकते हैं, खास करके महिलाओं में जब, यानी जैसे कि डिलीवरी के बाद, जिसे आयुर्वेद में सूतिका अवस्था कहा गया है, या लैक्टेशन फेज में भी ये बहुत अच्छी औषधि है। ये एक ट्रेडिशनल इंडियन रेसिपी है जो आज हम समय के साथ भूलते जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम इसकी पूरी जानकारी लेंगे कि इसकी विशेषता क्या है, ये शरीर में जैसे कि वात पित्त कफ, ये तीन दोष है तो इन पर क्या असर करती है, कौन कौन सी अलग अलग बीमारियों में आप इसे ले सकते हैं, कि इसकी खीर कैसे बनानी है, ये हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे ताकि आपको इसे बनाने में आसानी हो। तो इसकी पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो इस गुणकारी औषधि वनस्पति का नाम है चंद्रशूर। इसका जो लैटिन नेम है वो है लेपिडियम सटाइवम। इंग्लिश में इसे गार्डन क्रेस या कॉमन क्रेस के नाम से जाना जाता है। हिंदी में इसे हालो, हालीम, हलीम या चंद्रशूर कहा जाता है। मराठी में इसे अहल्यम कहा जाता है। तो ये एक बहुत ही गुणकारी औषधि है। इसके जो बीज है इनका प्रयोग हम करते हैं, तो इसे गार्डन क्रेस सीड्स या कॉमन क्रेस सीड्स कहा जाता है। अगर आप इसे बुलाना चाहें तो आप इस नाम से भी इसे सर्च कर सकते हैं। जब हम इसे पानी में भिगोते हैं तो ये पानी को एब्सॉर्ब करके ये जो बीज है ये फूल जाते हैं और फिर फूलने के बाद ये थोड़े से स्टिकी या चिपचिपे से बन जाते हैं। चलिए अब हम चंद्रशूर या हालीम के औषधि गुणधर्म क्या है वो देखते हैं। ये आयुर्वेद के ग्रंथों में बताए हुए हैं। तो इसका जो रस बताया गया है वो है कटु तिक्त रस, यानी हल्का सा तीखा या कड़वा स्वाद इसका है। लेकिन जब आप दूध के साथ इसकी खीर बनाते हैं तो वो बहुत मीठी लगती है, तो आप आसानी से इसे ले सकते हैं। फिर इसका जो वीर्य, यानी इसकी जो तासीर बताई है वो है उष्ण वीर्य, यानी ये थोड़ी सी गर्म स्वभाव की है, तो आप ठंडी के दिनों में इसे ले सकते हैं। लेकिन जब आप इसे दूध के साथ पकाते हैं तो ये ये जो उष्णता है, जो गर्म स्वभाव है, उसको भी वो बैलेंस करता है। अब ये देखते हैं कि इसके गुण क्या है। तो इसके गुणों में इसे ये जो बीज है तो ये लघु स्निग्ध पिच्छिल बताया है। लघु यानी ये पचने में हल्के है, स्निग्ध यानी इसमें स्निग्धता है शरीर में, ये लुब्रिकेशन तैयार करता है। और इसमें जो पिच्छिलता है, जैसे हमने देखा कि जब आप इसे पानी के साथ मिलाते हैं तो एक तरह सा स्टिकी सा जो है बीजों में स्टिकीनेस आता है, तो इस तरह के इसके गुण बताए गए हैं। अब ये देखते हैं कि शरीर के वात पित्त कफ, इन दोषों पर इसका क्या असर है। तो ये शरीर में अगर कफ दोष और वात दोष बढ़े हुए हैं तो उनको कम करने का काम ये हलीम के बीज करते हैं। अब हम इसकी खीर कैसे बनाना है तो ये देखते हैं, उसके बाद अलग अलग बीमारियों में आप इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी उसके बाद जानेंगे। चंद्रशूर के बीजों की ये जो खीर है इसे बनाना बहुत आसान है। ये जो बीज है ये आपको इजीली ग्रोसरी शॉप में मिल जाएंगे या तो फिर आप ऑनलाइन भी इसे सर्च कर सकते हैं। खीर बनाने के लिए हमें चाहिए लगभग 2 छोटे चम्मच चंद्रशूर के बीज, तो इन्हें हलीम के बीज या फिर गार्डन क्रेस सीड्स भी कहा जाता है। इसके अलावा हमें चाहिए गाय का दूध, लगभग 3/4 ग्लास दूध हमने लिया है। इसमें हम गीला नारियल डालेंगे, तो नारियल को हम कद्दूकस करके लेंगे, तो लगभग 2 से 3 छोटे चम्मच आप इसमें नारियल डाल सकते हैं, इससे टेस्ट इसका अच्छा आता है। इसके अलावा हम इसमें मिश्री डालेंगे, अगर आप मीठा पसंद नहीं करते तो आपने नहीं डाला तो भी चलेगा। थोड़ी सी इलायची डालेंगे, तो लगभग 4 से 6 छोटी इलायची का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से सभी इन्ग्रेडियंट्स आपको ईजीली अवेलेबल रहेंगे।
सबसे पहले हम ये जो हलीम के बीज है तो इनको अच्छी तरह से साफ करके 2-3 बार पानी से धो के फिर इसे पानी में भिगो के रखेंगे। पानी थोड़ा सा ज़्यादा डालना है क्योंकि ये पानी को अच्छी तरह से एब्सॉर्ब करते हैं। और पानी डालने के बाद अभी देखिए मैंने इसको भिगो के रखा था, मैंने लगभग 2 से 3 घंटे इनको भिगो के रखा था, तो इनकी जो साइज़ है काफ़ी बढ़ जाते हैं, ये थोड़े से स्टिकी भी हो जाते हैं। तो इस तरह से आपने इसको पहले से पानी में भिगो के रखना है। सबसे पहले खीर बनाने के लिए हम ये जो गाय का दूध है लगभग 3/4 ग्लास ये उबालने के लिए रखेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि उबालने के बाद ये दूध जो है वो गाढ़ा ना बने। अगर ये दूध गाढ़ा बन गया तो ये खीर जो है पचने में हेवी होगी। अब इसी में हमने जो हलीम के बीज भिगो के रखे थे वो हम डालेंगे। जो गैस की जो फ्लेम है वो स्लो टू मीडियम रखेंगे, थोड़ा सा धीमी आंच पे हमने इसे पकाना है। इसको अच्छे से मिक्स करके लेंगे। अब इसी में जो हमने कद्दूकस करके जो नारियल रखा था, ये गीला नारियल है तो ये हम डालेंगे। ये नारियल डालने के बाद इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। अगर आपको पसंद नहीं है तो नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। इससे इसकी जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है वो भी बढ़ती है। इसके अलावा हम अब इसमें मिश्री डालेंगे, तो मिश्री भी आप आपके स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अब हमें इसमें इलायची डालना है, तो ये छोटी इलायची है, इसको हम थोड़ा सा दरदरा सा कूट के फिर डालेंगे। इसको फ्रेश आप जब कूट के डालते हैं तो इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है, तो इसलिए हम इसे फ्रेश बना रहे हैं। देखिए अब इसको दरदरा सा कूट के लिया है, ये इसमें मिक्स करेंगे। इलायची हमेशा थोड़ी सी बाद में डालनी है, इवन खीर बनने के बाद भी अगर आप डालते हैं तो भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उबालते समय इसकी जो टेस्ट है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, तो अगर आप बाद में डालेंगे तो भी अच्छा है। ये खीर बहुत जल्दी बन जाती है, लगभग 10 मिनट में आपकी खीर बन के रेडी हो जाती है। सिर्फ हमने इसे स्लो टू मीडियम आँच पर हमने इसे पकाना है। इसे बीच बीच में हिलाते रहे ताकि ये नीचे से ना यानी जले नहीं। अब देखिए खीर बन के तैयार है, हम इसे निकाल लेंगे। इसको हमेशा फ्रेश बना के ले, और क्योंकि ये जब आप फ्रेश बनाते हैं तो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। ये गरम जैसे आपको इसका टेस्ट आएगा, वैसे ठंडी होने के बाद इसका टेस्ट या वो मज़ा नहीं आएगा। तो जब भी आप सर्व करो तो इसे गरम आपको सर्व करना है। इसकी जो क्वांटिटी है वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, उसके अनुसार जो इसके इंग्रेडिएंट्स हमने यूज़ किए हैं वो भी आप कम या ज़्यादा ले सकते हैं। तो देखा आपने कि कितना इजीली ये खीर है वो जल्दी से बन जाती है, और सभी जो इंग्रेडिएंट्स है वो आपको घर में ही मिलते हैं। सिर्फ आपको जो हलीम के बीज है वो लेके आना है और बस ये खीर बन के तैयार है। चंद्रशूर या हलीम के जो बीज है ये उत्कृष्ट वेदना स्थापक, यानी जो शरीर में अगर कहीं दर्द है तो उसको कम करने वाले है, वात को कम करने वाले, यानी अगर किसी के शरीर में ये वात दोष बढ़ा हुआ है तो उनको कम करने वाले है। अब देखिए आयुर्वेद में वात के कारण होने वाली 80 तरह की बीमारियां बताई है, फिर इसमें चाहे वो जोड़ों का दर्द हो या ऐठन हो, कमर में दर्द हो, तो कहीं पे भी अगर आपको शरीर में दर्द है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर किसी को शरीर में थकान है तो उस थकान को भी ये काम करेगा। अगर किसी को वेट को बढ़ाना है, हाइट को बढ़ाना है, तो ये बहुत अच्छी औषधि है, तो आप इससे बनी जो खीर है वो ज़रूर लेके देख सकते हैं। इसके अलावा भी जैसे कि जो महिलाएँ हैं तो जिनको सूतिका अवस्था में यानी डिलीवरी के बाद गर्भाशय को साफ करने के लिए, या फिर जो भी स्राव गर्भाशय में जमा है तो उनको शरीर से बाहर निकाल के लिए बहुत अच्छी मदद करती है। इसे गर्भाशय शोधन करने वाली बताया गया है, यहाँ तक ये स्तन्य जनन करने वाली है यानी दूध को बढ़ाने के लिए ये मदद करती है। इसके अलावा ये वृष है, तो जिन पुरुषों में भी शुक्र धातु की कमजोरी है तो वो लोग भी इससे बनी जो खीर है वो ले सकते हैं। यहाँ तक कि इसके बीजों का जो चूर्ण है वो भी 1 से 3 ग्राम की मात्रा में दिन में 2 बार आप ले सकते हैं।
अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पर यानी पाचन संस्थान पर इसका क्या असर है वो देखते हैं। तो इसके बारे में कहा गया है कि ये बहुत अच्छा दीपन करने वाला, वातानुलोमन करने वाला, शूलग्न और मल संग्राही है। तो ये जो बीज है तो दीपन यानी देखिए कि जो हमारा जठराग्नि है उसको बढ़ाने वाला है। तो अगर आपको भूख नहीं लगती, खाना ठीक से हजम नहीं होता या फिर अजीर्ण जैसे लगता है तो आप इनको ले सकते हैं, या फिर पेट में आपको ब्लोटिंग होती है या फिर जैसे कि आपको लगता है कि वायु है अंदर जमा हुआ, पेट भरा भरा सा लगता है, भारीपन लगता है, तो भी आप इसे ले सकते हैं। जिनको भी पेट में मरोड़ है, दर्द है, वो भी ले सकते हैं इसे। जैसे कि अगर किसी को जुलाब हो रहे हैं, पतले दस्त है या फिर स्टिकी सा स्टूल है, तो वो लोग भी इसे ले सकते हैं। तो इस अवस्था में आप इसके जो बीज है इसका चूर्ण बना के आप ले सकते हैं। तो इसको 1 से 3 ग्राम की मात्रा में यानी लगभग पाव से आधा चम्मच दिन में 2 बार हल्के से गुनगुने पानी के साथ आप ले सकते हैं। या इससे बना जो चतुर्बीज चूर्ण है, इसमें 4 प्रकार के बीज है जिसमें से एक है ये चंद्रशूर। तो उस चतुर्बीज चूर्ण को भी आप अगर लेंगे तो इन अवस्थाओं में आपको उसका भी फायदा जरूर मिलेगा। खून को साफ करने के लिए भी ये जो चंद्रशूर के बीज है ये बहुत अच्छे से मदद करते हैं। तो इसे देखिए आयुर्वेद में इसे रक्त शुद्धि कर या रक्त शोधक बताया है। तो अगर खून के दूषित होने के कारण आपको कोई स्किन डिसीज है या चर्म रोग है तो आप इसे ज़रूर ले, इसके बहुत अच्छे फायदे आपको मिलेंगे। यहाँ तक कि इसे कफ निस्सारक बताया हुआ है, यानी शरीर में अगर कफ जमा है, खांसी है, बलगम है अंदर, तो वो निकालने के लिए ये मदद करेगी। यहाँ तक कि जिनको इस तरह की अवस्था में सांस फूल है तो वो कम करने के लिए ये मदद करेगी। इसे हिक्का निग्रहण करने वाली भी बताया है, यानी अगर किसी को हिचकी आती है तो वो भी इसे ज़रूर ले। यहाँ तक कि इसे मूत्रल कहा गया है, यानी यूरिन को अच्छी तरह से बाहर निकालने के लिए ये मदद करेगी। तो जिनको भी यूरिन से रिलेटेड कोई तकलीफ है, यूरिन का फ्लो ठीक तरह से नहीं है या जलन होती है, तो वो लोग भी जो हलीम के बीज है वो ज़रूर ले सकते हैं। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने चंद्रशूर या हालिम या गार्डन क्रेसिड्स इसके बारे में पूरी जानकारी ली है। तो आप भी इससे बनी जो खीर है वो आप ज़रूर करके देखिए, ये बहुत ही टेस्टी और ये इंडियन ट्रेडिशनल रेसिपी है। अगर आप खीर नहीं बना पाए तो आप इसका चूर्ण है, जैसे इसके बीजों का जो चूर्ण है वो भी आप लेके देख सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी आप ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी सिंपल लेकिन इफ़ेक्टिव आयुर्वेदिक औषधि के बारे में पता चले। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।